हमारा खास शो बाजार आज और कल में आपका स्वागत है। और इस खास शो में हम आपको बताते हैं आज का बाजार का पूरा एक्शन, साथ ही कल का मार्केट कैसा रहने वाला है और लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए कहां पर निवेश के मौके बनेंगे, ये सारी बातें होंगी। और आज आपकी तैयारी कराने के लिए हमारे साथ हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी, हमारे साथ एक खास मेहमान है प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर, और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम तैयार है, तैनात है आपको अलग अलग रिसर्च डिटेल में बताने के लिए। आशीष से हम जानेंगे आज का मार्केट का पूरा हाल, महिंद्रा एंड महिंद्रा से जुड़ी एक बड़ी खबर जानेंगे स्वाति खंडेलवाल से, कुशल बताएंगे दिसंबर तिमाही नतीजों में बजाज ऑटो से उम्मीदें और आपके बजट में सस्ता शेयर, वरुण से हम जानेंगे Q3 में L&T इन्फोटेक से उम्मीदें, देवांशी बताएंगी रियल एस्टेट पर MOFSL की रिपोर्ट, ये सारी बातें होंगी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज पूरे दिन बाजार में किस तरह का कारोबार हुआ है। तो आज बाजार भारी गिरावट के साथ बंद हुआ, कारोबार के अंत में सेंसेक्स 554 अंक गिरकर 60,755 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 195 अंक फिसलकर 18,113 के स्तर पर बंद हुआ। साथ ही आज बैंक निफ्टी भी सपाट बंद हुआ। और अब रुक करेंगे आज के बाजार पर एडिटर्स टेक का। बाजार में आज भारी बिकवाली आई, मगर इस बिकवाली के पीछे वजह क्या थी, क्यों आखिरी घंटे में बाजार लुढ़क गया, ये बता रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। भारतीय बाजारों में आज जबरदस्त बड़े एक्शन का दिन रहा, शुरुआत मजबूती के साथ हुई। हालांकि कल देर रात अमेरिकी बाजारों से कोई संकेत थे नहीं, लंबा वीकेंड था, सोमवार को अमेरिकी बाजार बंद थे, तो आज डाउ फ्यूचर से हमें संकेत लेने थे और वो हरे निशान में थे। कल FIs की तरफ से फिर से बिकवाली के आंकड़े आए, लेकिन इन सबको नज़रअंदाज करके बाजार मजबूती के साथ खुले 18,300 के ऊपर और 18,350 तक पहुंचते हुए दिखे, और लगभग पूरा दिन हरे निशान के साथ मजबूती के साथ 18,300 के आसपास वक्त बिताते हुए दिखे। लेकिन आखिरी एक घंटा बाजार पर भारी पड़ता हुआ दिखा, और भारी पड़ने की दो बड़ी वजह थी, एक धीमे धीमे करते डाउ फ्यूचर्स फिसलते हुए दिखे, लगभग 300 पॉइंट लुढ़के, और दूसरा लगातार चार दिन से आते हुए FIs की बिकवाली के आंकड़े। इन सबके बीच में 18,350 से जो करेक्शन शुरू हुआ 18,100 के नीचे तक भी आता हुआ दिखा, तो बड़े लंबे समय बाद दिन के दौरान निफ्टी में एक बड़ा साइजेबल इंट्राडे करेक्शन देखने को मिला, क्लोजिंग 18,100 के थोड़े से ऊपर होती हुई दिखी, यानी कि ट्रेडिंग रेंज का ऊपरी और नीचे वाला सिरा दोनों ही निफ्टी ने आज देखा। लेकिन इससे कहीं ज्यादा एक्शन बैंक निफ्टी में था, 5 दिनों से बैंक निफ्टी बड़े सीमित दायरे में सुस्ती दिखाते हुए नजर आया, लेकिन आज एक बड़ा एक्शन बैंक निफ्टी में दिखा। 12 जनवरी को जो हमने 38,850 के आसपास के लेवल्स बैंक निफ्टी में देखे थे, आज बैंक निफ्टी छलांग लगाते लगाते बड़े दिनों की सुस्ती को तोड़ते हुए 38,850 पर पहुंचा भी, और वहीं से जो करेक्शन शुरू हुआ आखिरी एक घंटे में लगभग 700-800 पॉइंट बैंक निफ्टी भी नीचे आते हुए दिखा। ऊपर की रेंज और नीचे की रेंज दोनों ही बैंक निफ्टी में देखने को मिली, और 38,100 के आसपास आता दिखा, फाइनली क्लोजिंग 38,200 के आसपास दिन के निचले स्तरों पर बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में देखने को मिली। तो दिन के दौरान एक बड़ा साइजेबल करेक्शन जो लंबे समय से ड्यू था एक तरफा तेजी के बाद आज स्क्रीन पर नजर आया। तो कह सकते हैं मजबूती ट्रेंड की वजह से थी, और ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग, बिकवाली या कमजोरी जो भी आप नाम देना चाहें, उसकी दो बड़ी वजह, अमेरिकी बाजारों के फ्यूचर्स कमजोर, वहां पर ब्याज दरें बढ़ने का खतरा, बॉन्ड यील्ड बढ़ने का खतरा, और दूसरा FIs की 4 दिनों से कैश मार्केट में बिकवाली के आंकड़े, इन सब के चलते फाइनली एक करेक्शन बाजार में आज देखने को मिला है। तो ये रही बाजार में गिरावट के पीछे की वजह, लेकिन अब आपको बताते हैं कि आज के मार्केट में कौन कौन से ऐसे सेक्टर रहे जहां पर ज्यादा एक्शन दिखा या गिरावट दिखी और उसके पीछे की वजह क्या रही, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी। अच्छा चलिए, अब आप अपने खास मेहमान का रुख करते हैं, और हमारे साथ आज हैं खास मेहमान जुड़े हैं अविनाश गोरक्षकर साहब प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज जिस तरह से मार्केट में गिरावट का माहौल रहा, इसको देखते हुए आपको कल का बाजार कैसा दिखता है, और कल के मार्केट में अगर कोई कल के लिए ही ट्रेड लेना चाहे इंट्राडे के लिए, तो आप क्या सुझाव देंगे सर? इनफैक्ट मृत्युंजय, मुझे लग रहा है कि आज के बाजार में जो बिकवाली आई है वो ज्यादातर ग्लोबल मार्केट्स के कारण हुई है, और मार्केट्स ने काफी अच्छी छलांग पिछले हफ्ते दिखाई थी,
तो थोड़ा सा मुनाफा वसूली का आज दिन था। मैं समझता हूँ कि मार्केट्स में स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी आपको काफी देखने को मिलेगी, क्योंकि नतीजों का सीजन है। और अगर हफ्ते भर का अगर किसी का नजरिया है तो पोजिशनल बेट हमको लग रहा है कि एक कंपनी है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, जहां पे हमको लग रहा है कि एक खरीदने का मौका बन सकता है। तो जिनको यू नो 6-7 दिन का व्यू लेना है, मेरे ख्याल से 928-29 का आज क्लोजिंग है, तो यहाँ पे जरूर खरीदिए। हमको लग रहा है स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और यहाँ पे जो नियर टर्म का टारगेट प्राइस बनता है वो करीबन 975-980 है। यहाँ पे स्टॉप लॉस 910 का रखिए और ये एक अच्छा पोजिशनल बेट बन सकता है अगले 6-7 दिनों के लिए। तो ये पोजिशनल ट्रेड भी आपके लिए अगले 6-7 दिनों के लिए कहां पर आपके लिए कमाई के मौके बनेंगे, ये सर ने आपको बताया। लेकिन अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बजाज फाइनेंस ने उम्मीद से बेहतर नतीजे पेश किए हैं। कंपनी का मुनाफा 1,146 करोड़ रुपए से करीब दोगुना बढ़कर 2,130 करोड़ तक पहुंचा है। कंपनी की ब्याज से कमाई भी 6,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। अच्छी बात यह है कि बजाज फाइनेंस का कंसो ग्रॉस एनपीए करीब 2.5% घटकर 2.25% पर आ गया है। तो अविनाश जी, जिस तरह के नतीजे आए हैं बजाज फाइनेंस के, अब अच्छे नतीजे आए हैं और उम्मीद से बेहतर नतीजे आए हैं सर, तो क्या क्या टेक होगा सर आपका इस पर? मुझे लग रहा है कि मृत्युंजय कल के सत्र में आपको एक अच्छी तेजी बजाज फाइनेंस में देखने को मिलेगी, क्योंकि ऑफकोर्स कल तो कंपनी का कॉन्फ्रेंस कॉल भी है, लेकिन हमको लग रहा है कि जिस प्रकार की एसेट क्वालिटी का नंबर, मुनाफे का नंबर आया, इस बात को दर्शाता है कि एयूएम ग्रोथ भी बढ़ा है, यू नो ओवरऑल ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है, एसेट क्वालिटी ठीक ठाक हो चुकी है। होपफुली हमको लग रहा है कि अभी जो रन रेट है वो कंपनी अगर मेंटेन करती है तो आपको और भी थोड़ी सी यू नो अपसाइड देखने को मिलेगी। आज थोड़ा सा स्टॉक निचले लेवल पे आपने आपको हमने देखा क्योंकि थोड़ी बहुत बिकवाली का प्रेशर था, लेकिन ऐसे नतीजे आने के बाद जो उम्मीद से काफी बेहतर है, कल मुझे लग रहा है कि अच्छी अपटेक आपको शुरुआती ट्रेडिंग में ही देखने को मिलेगी और आगे जो कमेंट्री आएगी कॉन्फ्रेंस कॉल के बाद वो मेरे ख्याल से स्टॉक को और आगे रिरेट करने की पॉसिबिलिटी रखती है। तो डेफिनेटली जिनके पास है वो निवेशित रहिए और जिनको खरीदना भी है, मैं समझता हूँ कल अगर यू नो इनिशियल लेवल्स पे अगर करंट लेवल्स पे ही मिलता है तो डेफिनेटली एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगले 6-7 महीने में जरूर मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा आपकी। चलिए अब हम रुक करेंगे एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर का, और खबर यह है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग और रिस्ट्रक्चरिंग की तैयारी कर रही है। ये खबर लेकर आई है हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल, उनसे ही डिटेल लेते हैं। स्वाति, M&M एक बड़ा ग्रुप है और एक बड़ी खबर, कंपनी कैसे इस वैल्यू अनलॉकिंग को अंजाम देगी? जी बिल्कुल, आपने सही कहा, एक बड़ा ग्रुप यानी महिंद्रा एंड महिंद्रा। इस कंपनी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पर काफी बड़े डेवलपमेंट्स होने जा रहे हैं अगर हम देखें वैल्यू अनलॉकिंग या रीस्ट्रक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको पता है कंपनी कुछ समय से ऑलरेडी इस कार्य पर चल पड़ी थी। जब आपने देखा कंपनी ने काफी सारे लॉस मेकिंग बिजनेसेस से एग्जिट कर लिया है और अब जिस तरह से वैल्यू अनलॉकिंग की तरफ कंपनी बढ़ रही है, वो 3 बड़े कारोबार को अपना ग्रोथ ड्राइवर समझकर उनको डीमर्ज जा रही है। ये एटलीस्ट उनका थॉट प्रोसेस है। इस प्रोसेस के हम शुरुआती स्टेप्स देख रहे हैं कंपनी को लेते हुए, और एक अगर देखें तो कंपनी ये समझ पा रही है कि एग्री और फाइनेंस फार्म इक्विपमेंट एक बहुत बड़ा बिजनेस इमर्ज होकर आ रहा है, तो उसको अलग से देखा जाए। इसी के साथ ऑटोमोबाइल ऑफकोर्स उनका जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो तो है ही, बट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इसको एक अलग स्पिन ऑफ करके अलग से एंटिटी बनाई जाए, इसके लिए कुछ पार्टनर्स भी वो ओपन है टाइप करने के लिए, ग्लोबल पार्टनर्स जो आना चाहें। तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक थीम है जिसको वो अनलॉक करना चाहती है। और ऑफकोर्स तीसरी, हम जानते हैं कि रिटेल बिजनेसेस काफी सारे उनके बिजनेसेस हैं जो अब मच्योर हो गए हैं, जिनको अब कंपनी अलग करने की बात कर रही है। वो कुछ नाम मैं आपको बताना चाहूंगी, इंश्योरेंस बिजनेस, यूज्ड कार बिजनेस यानी फर्स्ट चॉइस, SLO जो कि उनकी स्क्रैपिंग और कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी है, पॉटर, फर्स्ट क्राई, ये कंपनीज हैं जो कंपनी यहां पर वैल्यू अनलॉक सबसे पहले देखेगी। 2 से 4-5 साल का टाइम फ्रेम आप देखेंगे, बट रोड मैप बन रहा है ये बहुत जरूरी है। आपने देखा है अनीश शाह की लीडरशिप के अंदर उन्होंने शुरू से कहा है 18% ROE वो हर बिजनेस के लिए एक्सपेक्ट करते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी उनके लिए रियली बहुत मैटर करती है।
शुरुआत से वो इसी काम पर लगे हुए हैं, नॉट स्प्रेडिंग देमसेल्व्स टू थिन, बहुत फोकस करके एक एक कोर बिजनेस पर ध्यान दिया जाए और उनकी वैल्यू मैक्सिमाइज की जाए। तो इसी डायरेक्शन में अगर आप देखिए तो महिंद्रा एंड महिंद्रा जो अभी एक तरह से होल्डिंग कंपनी है बहुत सारे बिजनेसेस की, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट बिजनेसेस डीमर्ज होंगे और फिर उनकी वैल्यू अनलॉक होगी। तो इस थॉट प्रोसेस से कंपनी चल पड़ी है, इसके फाइनल अनाउंसमेंट्स आते जाएंगे, बट मैं आपको बता दूं कि एट द बोर्ड लेवल ये एक तरह से रोड मैप पूरी तरह तैयार हो गया है। तो ये बड़ी खबर M&M को लेकर के, और दिसंबर तिमाही में बजाज ऑटो के नतीजे कैसे रह सकते हैं ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता। बताइए कुशल जी। तो बजाज ऑटो के नंबर्स कल आते हुए नजर आएंगे और कमजोर साइड पर हमारी एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है। खासकर आप सबसे पहले देखिए कंपनी की जो जिस तरह से आय है वो ऑलमोस्ट फ्लैट रहने का अनुमान है, करीब 1% बढ़कर ही 9,000 करोड़ के करीब कंपनी अपनी आय घोषित कर सकती है। क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह अगर आप देखेंगे तो कंपनी की जो वॉल्यूम डिग्रोथ होती हुई दिखी है वो करीब करीब 9.6% की जो है गिरावट आती हुई दिखी है, और उससे ही आय जो है सपाट होती हुई नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं कंपनी की मार्जिन्स हैं वहां पर भी इंपैक्ट आएगा, क्योंकि कॉस्ट इन्फ्लेशन अगर आप देखें तो 19.4% के मुकाबले 14.3% की मार्जिन अब कंपनी दर्ज कर सकती है, और इससे कंपनी का जो मुनाफा है वहां पर भी लगभग 26% की गिरावट की एक्सपेक्टेशन है, और 1150 करोड़ के पास जो है कंपनी अपना मुनाफा भी दर्ज करती हुई दिख सकती है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कंपनी के जो आंकड़े हैं वो तो कमजोर साइड पर ही रहेंगे, पर आगे आने वाले समय में कंपनी की क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल यूनिट्स को लेकर स्ट्रैटेजी है और साथ ही कंपनी का एक्सपोर्ट को लेकर क्या आउटलुक है ये हमें जानना बेहद जरूरी हो जाता है इनके नतीजों में। तो ये अनुमान बजाज ऑटो के नतीजों का, लेकिन दिसंबर की तिमाही में L&T इंफोटेक का मुनाफा कैसे रह सकता है ये बता रहे हैं वरुण दुबे। देखिए L&T इंफोटेक के नतीजे अच्छे रहने वाले हैं, इस कंपनी ने जो डील विंस की है उसका फायदा कंपनी को मिलेगा। BFSI इंश्योरेंस अक्रॉस वर्टिकल्स अगर आप देखेंगे तो बेहतर ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसका फायदा इस कंपनी को मिलने वाला है। हमारा अनुमान है कि कंपनी की जो आय है उसमें करीब 8.5% के आसपास की बढ़ोतरी होगी, 4,090 करोड़ के आसपास से आ सकती है। कंपनी की जो डॉलर आय है उसमें करीब 7.1% के आसपास की बढ़ोतरी होगी, कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ जो है वो करीब 7.7% के आसपास रह सकती है। मार्जिन फ्रंट पे भी प्रदर्शन कंपनी का काफी बेहतर रहने वाला है। एबिटा अगर आप देखेंगे तो 10.5% के आसपास की बढ़ोतरी वहां होने वाली है, 715-716 करोड़ के आसपास से आ सकता है। मार्जिन 17.2% से बढ़ के करीब 17.5% के आसपास आएंगे, यानी करीब करीब 30 बेसिस पॉइंट के आसपास कंपनी के जो मार्जिन है उसमें इजाफे का अनुमान लगाया जा रहा है, और मुनाफा जो है उसमें करीब 8% के आसपास की बढ़ोतरी होगी, 550 करोड़ से बढ़ के ये करीब 595 करोड़ के आसपास आने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो नतीजे अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल काफी बेहतर रह सकते हैं इस कंपनी के, लेकिन याद रखिएगा 2-3 पॉइंट्स है जहां पे आपको नजर रखनी है। नो डाउट कंपनी गाइडेंस नहीं देती है, लेकिन डील विंस को लेकर कंपनी का क्या कहना है, आगे कितनी और बड़ी डील्स कंपनी क्लॉक करने वाली है ये जानना काफी इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ याद रखिएगा IT इंडस्ट्री में एटलिशन काफी देखने मिल रहा है, पिछले कुछ जो नतीजे आए उनमें काफी ज्यादा एटलिशन देखने मिला, एटलिशन लेवल देखना होगा इस कंपनी को, एटलिशन को लेकर ये कंपनी क्या कहती है और यहाँ किस लेवल का एटलिशन देखने मिलता है, क्योंकि काफी हद तक मार्जिन जो है उस पर डिपेंड करेगा। तो एक तो एट्रिशन और साथ ही साथ मार्जिन की ट्रेजेक्टरी आगे क्या रहती है, कंपनी उसको लेके क्या कहती है ये जानना काफी इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन अब तक अगर आप देखेंगे तो IT कंपनीज के नतीजे मिले जुले थे, इस कंपनी से उम्मीद लगाई जा रही है कि नतीजे एटलीस्ट कंपनी के बेटर रहने वाले हैं। और अब देखते हैं कि आज की भारी गिरावट के बाद कल के बाजार के लिए अनिल जी क्या स्ट्रेटेजी बता रहे हैं। क्या तक कल के बाजारों का सवाल है, 18,000-18,050 ये निफ्टी के लिए आखिरी सपोर्ट रेंज है, इसके नीचे टूटने पर बाजार में कमजोरी का मूड माहौल, और मनोवैज्ञानिक स्तर भी है कि आप 18,000 के ऊपर हैं या 18,000 के नीचे, तो अगर 18,000 को तोड़कर कल बाजार ट्रेड करते हैं दिन के दौरान या फिर बंद होते हैं तो मामला थोड़ा सा मुश्किल भरा हो सकता है, और जब तक 18,000 के ऊपर है तब तक कोई चिंता की खास बात नहीं। ऊपरी स्तरों पर वापस से 18,200-18,250 हल्की फुल्की रुकावट का रेंज है, उसके पार करेंगे तो थोड़ी और तेजी बनेगी। तो देखते हैं
संकेत आपको अमेरिका से लेने हैं, पौने 300 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स थे भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त। बैंक निफ्टी भी मेक और ब्रेक लेवल के आसपास ही है, 38,000 के नीचे आने पर कमजोरी थोड़ी और बढ़ने की आशंका है और ऊपरी स्तर पर 38,500 के आसपास हल्की रुकावट का लेवल है, इसके पार करेंगे तो फिर थोड़ी और तेजी बनेगी। तो आज के सेशन में भारी उतार चढ़ाव को देखते हुए थोड़े से कॉशियस होने के संकेत हैं, जो ग्लोबल मार्केट से भी आ रहे हैं, हमारे अपने भी हैं, एफआईआई के आंकड़ों से भी हैं, तो शायद ऐसा लग रहा है कल और परसों दो दिन बाजार थोड़े और वॉलेटाइल रह सकते हैं और ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। जब तक निचले स्तरों से सपोर्ट मिल रहा है तब तक ठीक है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल अगर बाजार तोड़ता है तो ही दिक्कत की बात होगी, और वो निफ्टी पर 18,000 है और बैंक निफ्टी पर 38,000। और अब वक्त है यह जानने का कि कल ऑप्शन के जरिए आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। और ऑप्शन की स्ट्रेटजी बताने के लिए हमारे साथ हैं राजेश पालविया एक्सिस सिक्योरिटीज के। राजेश जी बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर कल ऑप्शन के जरिए कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं। या गुड इवनिंग मृत्युंजय जी, देखिए आज जिस तरीके से मार्केट में सेकंड हाफ में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और निफ्टी अब 18,200 के नीचे बंद हुआ है, जिस तरीके से सप्लाई आज मार्केट में सारे ही सेक्टर में देखने को मिला, तो ये दिख रहा है कि मार्केट में कहीं ना कहीं प्रेशर कल के सेशन में भी देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से कॉल राइटिंग एग्रेसिव होते हुए दिखी आज हायर साइड पे, तो हमें लगता है कि निफ्टी अब यहाँ से जो मेजर सपोर्ट एरिया 18,000 वहां तक स्लाइड होते हुए दिख सकती है, तो 18,000 का पुट बाय करने की सलाह रहेगी, जो कि आज क्लोज हुआ है करीब 54 रुपए के आसपास, इसमें 30 रुपए का स्टॉप लॉस रखे और हमें लगता है इस पुट के टारगेट आना चाहिए करीब 85 से 90 तक के। तो जिस तरीके से मार्केट में आज सेकंड हाफ में सेलिंग थी और सारे ही सेक्टर में एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, तो कल भी वीकनेस एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है, तो 18,000 का पुट बाय करके हम ये यहाँ पे बेयरिश ट्रेड को यहाँ पे प्ले करने के लिए एडवाइस करेंगे। जी बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका ऑप्शन का ये ट्रेड बताने के लिए। लेकिन अब अविनाश जी, जिस तरह का मार्केट अभी हम देख पा रहे हैं, ऐसे में अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना चाहता हो इस बाजार में तो आप उनको क्या सलाह देंगे? रितिन जी, जो शेयर हमको पसंद है वो बेसिकली हॉस्पिटल स्पेस का है और उसका नाम है फोर्टिस हेल्थ केयर लिमिटेड। हमको लग रहा है कि मृत्युंजय ये जो कंपनी है इसने बहुत ही बड़ा टर्न अराउंड FY22 में दिखाया। हम अगर FY22 की बात करें तो हमको लग रहा है कि करीबन 6,000 करोड़ का रेवेन्यू आएगा, 1,100 करोड़ का कामकाजी मुनाफा आएगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से फर्स्ट हाफ का परफॉर्मेंस है। Q3 में भी हमको लग रहा है कि जो डायग्नोस्टिक बिजनेस है, कोविड बिजनेस है, प्लस जो स्पेशलिटी हेल्थ केयर का बिजनेस ये चलाते हैं, ये बहुत ही अच्छी तरह से चलेगा। फोर्टिस एक अभी MNC कंपनी है, IHH ग्रुप मलेशिया अभी कंट्रोलिंग स्टेक होल्ड करती है और पुराने प्रॉब्लम्स सारी तरीके से निकल गए हैं। मुझे लग रहा है कि लंबी अवधि के लिए अगर किसी को हॉस्पिटल्स में एक्सपोजर लेना है तो फोर्टिस एक बहुत ही अच्छा विकल्प होगा। कम से कम 8 से 12 महीने की अवधि की बात करें तो 350-360 का टारगेट प्राइस बनता है, तो मार्केट्स में ये गिरावट में ये खरीदने लायक स्टॉक है, थोड़ा सा इंतजार करना है, लेकिन डेफिनेटली हमको लग रहा है 6 से 12 महीने में अच्छी खासी अपसाइड मिलेगी। तो फोर्टिस हेल्थ केयर मेरी तरफ से ये अच्छी 6 to 12 months का एक अच्छा डीप वैल्यू स्टॉक। फोर्टिस हेल्थ केयर, इस पर आप नजर रखिए। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट क्या होगा, और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम का भी बहुत बहुत शुक्रिया अलग अलग खबरों पर डिटेल रिसर्च बताने के लिए। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही, छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।